हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आपको शिव पार्वती की पेंटिंग बना के दिखाने वाली हूँ, जो मैं बनाऊंगी कलर पेंसिल से। ब्रशो की कलर पेंसिल यूज़ करूंगी इसमें। इसमें हम आधा शिव जी का रूप बनाएंगे और आधा पार्वती जी का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। और आप इससे सीख सकते हो कि हम किस तरीके से कलर पेंसिल यूज़ करते हैं, उसको ब्लेंड करते हैं, उसे किस तरीके से मेंटेन करते हैं हम पेंटिंग बनाने के लिए। तो आप इसके अंदर बहुत कुछ सीखने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरी आउटलाइन। मैंने इसको स्टेबल करने के लिए डॉक्टर टेप का यूज़ किया है। एंड ये है ब्रशो की कलर पेंसिल जो है 24 शेड की। एंड ये है मेरा रेफरेंस, जो मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है इसको एकदम हाइपर रियलिस्टिक। तो देखते हैं कैसा बनता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आई बनाऊंगी इनों की, स्काई ब्लू लेकर। एंड इसको आपको एकदम हल्के हाथ से पेंसिल को पकड़नी है, क्योंकि एकदम ये सॉफ्ट पेंसिल है तो ये शायद टूट भी सकती है अगर आपने इसको एकदम हार्ड तरीके से पकड़ा। एंड मैं इसको ऊपर से लेयर दूंगी ब्लैक कलर की, मैंने दे दी है। एंड ब्लेंड करने के लिए मैंने इसकी वाइट पेंसिल का यूज़ किया है। एंड फेस करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं लाइट शेड दूंगी, जिस तरफ डार्क एरिया है उस तरफ हल्का सा डार्क करूंगी, एंड जिस तरफ लाइट है उस तरफ लाइट कर रखूंगी, जैसे कि जब हम ब्लेंड करेंगे तो अच्छे से ये एकदम ब्लेंड हो जाएगा। आपको देखिएगा कि किस तरफ लाइट एंड किस तरफ डार्क है। तो ये मैंने फर्स्ट लेयर करके इसको ब्लेंड कर रही हूँ, उसके बाद में इसमें सेकेंड लेयर दे के एकदम ही अच्छे से प्रॉपरली आपको दिखेगा। जो मैंने दे दी है आपको दिख रहा है कि सेकंड लेयर दे के एकदम हाइपर आधा फेस मैंने बना दिया है। एंड सेकंड पार्ट की तरफ मैं फेस कलर का यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम पहले इसी की तरह लाइट शेड करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर से सेकंड लेयर डाल के ये आधा फेस भी कम्प्लीट हो जाएगा। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपको उसी तरीके से करना है इसमें, क्योंकि ये कलर पेंसिल है तो उसमें थोड़ा मेहनत की जरूरत होती है ब्लेंड करने में। इसमें थोड़ा टाइम लगता है एंड पेंसिल को शेडिंग देने में भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये। तो आपको ध्यान से करना है इसको, ये नॉर्मल पेंसिल की तरह नहीं है जैसे हम स्केच करते हैं। तो उसमें हम उसको इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा इरेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए आपको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करना है अपने रेफरेंस में से देख के कि हमारा रेफरेंस में क्या है। तो उस हिसाब से आपको भी पेंसिल का यूज़ कर आपको अच्छे से अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करना है। तो चलिए अब हम इनके हेयर बनाते हैं। मैंने ब्लैक पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। जिस तरफ अगर आपका डार्क होगा उस तरफ आप एकदम डार्क इस पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। एंड इस पर हाईलाइट देने के लिए मैं वाइट पेंसिल का ही यूज़ करूँगी। तो चलिए हम जब तक अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं। एंड आप भी इसको देख के अपना प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपके अंदर भी इम्प्रूव आए, आप अच्छे से बना सको अपनी पेंटिंग, अच्छे से वीडियो में बता सको कि हम किस तरीके से स्केच को बनाते हैं, स्केच में किस तरीके से कहाँ पे क्या होता है। तो आप पहले सीखो, उसके बाद आप भी अच्छे से स्केच बना सकते हो, एकदम हाइपर रियलिस्टिक स्केच एंड पेंटिंग एकदम मस्त वाली बना सकते हो। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा एंड सब सीख जाते हैं टाइम से, अगर हम अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करें, अपने आप को थोड़ा टाइम दें। तो इसलिए तब मैं शिवलिंग को बना रही हूँ ब्लैक कलर कर। मैंने उसके ऊपर ब्लेंड करने के लिए चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी पेंसिल ख़त्म होने वाली है सेकेंड, अब देखते हैं कहाँ से लाते हैं। एंड
पेंडिंग अभी अधूरी है पूरी की पूरी। देखते हैं कितनी कितना टाइम लगेगा इसके अंदर। एक्चुअली मैंने इसको 2 दिन में कंप्लीट किया है। इसको मुझे 10 आवर्स लग गए होंगे पूरे कंप्लीट करने में। एंड हम इसको फोटो को डिवाइड करते हैं, एक तरफ भोला जी का, एक तरफ पार्वती जी का। जिस तरफ भोले का रहेगा फेस, उस तरफ हम स्काई ब्लू से ही इनके फोटो को कलर देंगे। एंड पार्वती जी के रेड कलर से फोटो को कलर करेंगे। एंड तो चलिए हम इसको एकदम हाइपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अब एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने येलो लिया है, क्योंकि इस पे अगर हम येलो करेंगे तो शायद वो कम दिखेगा, इसलिए हमें थोड़ा डार्क इसको दिखाना है, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। एंड एक्रेलिक का ही वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, इसमें कहीं कहीं हाइलाइट देने के लिए मैंने इसका यूज़ किया है, जिससे कि आपका जो पेंटिंग है वो अच्छे से दिखेगी कि हाँ ये एक हाइपर पेंटिंग है। तो चलिए हमारे ये जो पेंटिंग है कंप्लीट होने वाला है। एंड आपने इसे कितना सीखा ये आपके ऊपर डिजर्व करता है, क्योंकि आप बस वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो, एंड जो प्रैक्टिस है वो आपको तो खुद करनी ही पड़ेगी। तो अपना टाइम दो पेंटिंग में, स्केच में, जो भी आपको पसंद हो, एंड उसमें अपना टाइम दे के अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करो, जिससे कि आप पेंटिंग सीख सको, स्केच सीख सको अच्छे से। एक्चुअली हमारी पेंटिंग जो है वो कंप्लीट होने वाली है, लास्ट प्रोसेस है इस पेंटिंग का। एंड आपको वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो बताना मुझे कमेंट में जाके। एंड ये है फाइनल रिजल्ट, जो कुछ इस तरीके का है। आपको पेंटिंग कैसी लगी मुझे जाके कमेंट में ज़रूर बताना, आपने इससे क्या क्या सीखा है वो मुझे कमेंट में जाके बताना। तो ये है आज की पेंटिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। सो गाइस, आपको कैसी पेंटिंग लगी, मैंने किस तरीके से पेंटिंग को बनाया, एंड आपने इसे क्या क्या सीखा, किस तरीके से आपने अब कलर पेंसिल को शेड करना सीखा, उसको ब्लेंड करना सीखा। एंड जो अगर हम एक पेंसिल यूज़ करते हैं उसके ऊपर दूसरी पेंसिल की लेयर हम कैसे करें वो कैसे आपने सीखा, तो ये सब मुझे कमेंट में जाकर बताना कि आपने कितना सीखा कलर पेंसिल से स्केच बनाना। एंड पेंटिंग अच्छी बनी थी जिस तरीके, लेकिन इसके अंदर जो है ब्लेंड करना बहुत मुश्किल होता है कलर पेंसिल को, इसमें थोड़ा मेहनत लगती है, लेकिन अच्छे से बन जाता है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी स्केच की होने वाली है, जो बहुत अच्छा स्केच बनेगा नेक्स्ट वीडियो में, एकदम हाइपर रियलिस्टिक। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, उससे आप बहुत कुछ सीखने वाले, हाइपर रियलिस्टिक स्केच बनाना एंड पोर्ट्रेट बनाना, क्योंकि पोर्ट्रेट एंड स्केच बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक आर्टिस्ट के लिए। एंड आप सीख सकते हो हम किस तरीके से हाइपर रियलिस्टिक स्केच बना सकते हैं। मेरी इस वीडियो को, जो नेक्स्ट आने वाली है वीडियो, उसको पूरा देखना, उसमें आप सीख सकते हो कि हम किस तरीके से चारकोल का यूज़ कर कैसे हम अच्छे से पेंटिंग स्केच बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना। मिलते हैं।